किसी से डाउनली राइडर पर देखे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं धो रही हूँ परात और ये मैं सिर्फ आज कर रही हूँ, इससे इसका मेरे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई काम वाम नहीं करती, मैं पिछले आधे घंटे से इसको रगड़ रही हूँ और मुझसे साफ नहीं हो पा रही है। तो समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट टुडे वो है कि हम आज बना रहे हैं सिड्डू, जो है हिमाचल प्रदेश नहीं मनाली की लोकल, हाँ मनाली की लोकल डिश है और बहुत टेस्टी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो इसमें जो मोमो वाला ये डब्बा है मोक्टो, इनमें स्ट्रीम लिया जाता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बताऊंगी। ये भी दिखा रही हूँ कि मैं परात धो रही हूँ, इसका मैं आटा गूंदूंगी। वैसे तो मम्मी ने बोला था वो बनाएंगे, पर मम्मी चालाकी से सारे काम मुझसे ही करवा रहे हैं और लास्ट में क्रेडिट ले लेंगे कि मैंने बनाया है, मतलब उन्होंने बनाया है, ये मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए सबूत के लिए व्लॉग बन रहा है व्लॉग। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ कि ये किसने बनाए सिड्डू। अति तू अखरोट और वो कर अबे अति को भी लिया जा रहा है। मैं पीसूंगी अखरोट, ये तोड़ेगी, चटनी मैं बनाऊंगी, आटा तू गूंदेगी, उसके बाद सिड्डू मैं बना दूंगी। उसमें असली इंग्रेडिएंट्स जो है वो कौन बना रहा है, चटनी कौन बना रहा है और इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, ये अब ऐसे ऐसे पीसोगे चटनी? हाँ इसमें नहीं पीसोगे? वाह, टोटल देसी वाला स्टाइल में सिड्डू बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे मम्मी छिलके निकाल लेना अखरोट के, पता चला छिलके दांतों के नीचे आ रहे हैं। जाती काम कर, जाती रिकॉर्ड कर लिया। आती बहुत एम्बेरस फील कर रही थी व्लॉग में आने के बाद, तो उसने बोला था कि बुआ आज मैं आपको व्लॉग में कुछ नहीं बोलूंगी, आज मैं आऊंगी। मम्मी नहीं, आज नहीं, कॉपीराइट आ गया। तो उसने बोला आज मैं नहीं आऊंगी, फिर ले लिया उसको। और मेरी फ्रेंड भी आ रही है किरण, वो भी मनाली आई हुई है चंडीगढ़ से। हम लोग मनाली भी मिल जाते हैं, चंडीगढ़ भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। और बस थोड़ी देर बाद आपको अपनी बाइक दिखाऊंगी जो ठीक हो चुकी है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि वो टूट फूट गई है, मम्मी ने ठीक कर दी। ये पेटी गाने जा रहे हो आप? हाँ अब चला सकते हैं गाने। ओके तो मम्मी ने इतनी सी परात में डाल दिया है 3 किलो आटा और उसमें डाल रहे हैं ईस्ट। ईस्ट की वजह से ये आटा फर्मेंट होगा और उसी से सिड्डू बनेगा, उसी से वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। और ये रही मेरी चोट जो मुझे पहले लगी थी, ये पूरा ब्लू भी नहीं, लोगों की चोट हो जाती है ब्लू हो जाती है, रेड हो जाती है, मेरी येल्लो हो रही है, अलग ही पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। और मोस्टली मैं ठीक हो चुकी हूँ। अच्छा आती, फिर से गाली सुन ली, मजा आया। वो देख पिंक कलर का गुलाब, उसके आसपास क्या लगा हुआ है? किधर पिंक? ये देख। अच्छा उठते ले आऊंगा मैं, उठते चली गई धन्ने। हेलो जमी, तो इसको धनिया लेने भेजा था, इसको धनिया नहीं दिखा। मैं यहाँ से ही दिखा देती हूँ दोस्तों आपको धनिया। ये रहा धनिया, ये वाला गुलाब के साथ, ये देखो व्हाइट व्हाइट फूल लगे ना, ये धनिया है। और इसको दिखा नहीं, पूरा नीचे घूम के आ गई, वेरी गुड। आती है फिलहाल मैं आटा गूंदू, जिसको गूंदने में 1 घंटा लगेगा, इतना सारा आटा है ये, इतना सारा। ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ये देखते हैं जी, हैं जी। तो मैं आटा गूंदने बैठ तो गई हूँ, मम्मी मुझे पानी नहीं दे रहे हैं। और ये देखो ये आटा थोड़ा सा रेत जैसा है, और इस आटे को बोलते हैं सुपर फाइन आटा। ये नॉर्मल आटे से अच्छे नहीं बनते हैं, ना ये मैदे से बनते हैं, सुपर फाइन आटे से ही बनते हैं। इससे ये बिल्कुल वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसे, बन, हाँ बन जैसे हो जाते हैं बिल्कुल, और स्पंजी से हो जाते हैं, अच्छा लगता है खाते समय। फिलहाल मम्मी पानी दोगे? फिर भी दे दो पानी, दे दो मुझको, नहीं तो मैं रेत रेत खेलती रहूंगी आटे से। तभी मम्मी मुझे बोल रहे थे वहां से आते आते, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, कि पहला तू ऐसा भी बोल सकती है मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत अलग अलग तरह की चीजें बनाती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बोला दोस्तों इस आटे की कसम, मम्मी ने बोला आटे की कसम, इसका विश्वास मत करना, ये मेरी भी कसम खा ले, मम्मी की कसम, मम्मी ने ऐसा बोला, इतनी झूठी है ये, इतनी झूठी कसम, झूठ भी मैंने मारूंगी सिर पर। मैं रिकॉर्ड कर लेगी, मेरे सब्सक्राइबर मेरे दोस्त आप लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आप मुझे मारोगे तो। अच्छा फिलहाल पानी दे दो, अपने आप लेना ले, मैं तो लगी रही इसी में, इसी से खेलती रही। दोस्तों मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब आ जाएगी आटा गूंद के, और इतने आटे से पूरा माहौल का सिड्डू खा सकते हैं। आप लोग आ जाओ वी कॉटेज मनाली की लोकेशन पे, सिड्डू खाने आ जाओ, इतना सारा आटा है, हिलाया
उसके पैरों से ना चढ़ के खड़े होके आटा इतनी गंदी शक्ल बना दी आती। अरे जोर ही नहीं लग पा रहा यार, सुपर फाइन आता इज वेरी डिफिकल्ट टू आई डोंट नो इंग्लिश, माई इंग्लिश इज नॉट इंग्लिशिंग एनी मोर। तो दोस्तों मैंने आटा गूंद दिया, मेरे नकल्स देखो कैसे लाल हो गए हैं, ये बहुत हार्ड होता है ये गूंदना यार, वेरी दुख वाला काम, वेरी दुख वाला काम। अभी किरण आने वाली है, उसको फोन आया था, वो जंगल से उतर आ रही है और अपने डॉग को भी साथ ला रही है, तो बस उसी को लेने जाते हैं, कहीं उसको रास्ते में कुत्ते ना खा ले सारे के सारे। तो बस अब नीचे जाते हैं। नो नो अरे ये यहाँ पे किरण, ये है यहाँ पे अकीरा और ये डॉलर। हाय अभी यहाँ देखना, अच्छा डॉलर पहले पानी पी रहे हैं। इन लोगों के हम पिछले एक घंटे से दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये अकीरा मान ही नहीं रही है, वो बेचारा इसके साथ खेलना चाहता है और ये हों हों कर रही है, सारे के सारे दांत दिखा रही है ना डॉलर, है ना डॉलर। गंदी गई की चाय आ गई हमारी। खेलना चाहता है और ये थोड़ा सा ड्रामे कर रही है, दोनों जीप निकाल के बैठो। क्या हो क्या दांत दिखा रही तू, दांत दिखा रही, बच्चा नहीं है वो, छोटा सा एक छोटा बेबी है वो, खेल उसके साथ खेल। इसको भी तो चुनना चाहिए बेबी को। हाँ नहीं करनी अब तू भाई साहब, तू मेरा ये हाथ खा ले, मैं तेरे को बचा रही हूँ। नहीं खाता, खेलने को बोल रहा है। अकीरा ये क्या हरकत है यार। डॉलर भी लाइक, ये कैसी गंदी कुत्ती है, तो खेल ही नहीं रही मेरे साथ। बस ये तो बस बूम कर रही है। कर रही क्या हुआ, खेल रहा ना वो बेबी ने, छोटा सा 4 महीने का, देखिए तू 4 साल का हो गई है। अरे भाई तू मत कर हरकत है, वो खाएगी तुझे। और इसके दांत ये भी सीख गया डॉलर, इसे सीख गई तू, सीख गया तू, सीख गया अकेले को चाय पी जा रहा। अकेले क्यों दांत दिखा रही भाई उसको, हेलमेट डाल दूँ की पेशेंस। देखो इन दोनों को, अकीरा दांत दिखाएगी बस। चलो तेरा हो ना नेचुरल तो लगना चाहिए, नेचुरल ये मम्मी ना कुछ भी मैं नेचुरल लगाना, मैं नेचुरल करने की कोशिश कर रही हूँ, नेचुरल चाहिए, अच्छी लग रही है आंटी, वैसे ही करते रहो रोज किया करो। पहाड़ी पीपल, हाँ पहाड़ी पीपल भी, पहाड़ी पीपल सिटी बना रहे आंटी। मम्मी बहुत देर से इसको पीस रही है और अब फाइनली ये बन के तैयार हो चुकी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। अब आगे का काम तो मैं ही करूंगी ना, ये क्या है। अरे दोस्तों डोंट माइंड, कभी कभी मम्मी को कुछ हो जाता है। हटना कैमरा, हटना तो कुछ चटनी बोले। तो दोस्तों बोले बोले हम बना रहे पहाड़ी सिड्डू जो आंटी ने सिखाई है। मम्मी ने अभी दो दो एग्जांपल देके ये भी दिखाना, मम्मी ने दो सिड्डू बना दी और उसके बाद मम्मी साइड दो हो, मतलब कितने बनाए किरण, दो पांच बनाए आंटी ने बनाया पांच, अबे तो 30 बनाने, पांच बना दे 2500 बना 35 बनने चाहिए। चुप रहे ऐसे बच्चे पिछकारी का स्टार्टिंग फिर किधर मत बनाओ, अगर तो उसको यहाँ से यहाँ से कैसे बीच से नहीं दबाते, बीच से दबाएगी फिर फूलेगा ही नहीं, ऐसे देख ऐसे ऐसे मामा।
रहने दे किरण दिखा इसको सिटू एक बार दिखा मत कर नहीं दबाया बस पकड़ा है किरण इनकी शक्लें नहीं दिख रही है सिर्फ ऐसे अरे तू कर क्या रही है एक बार दिखा दो मैं ठीक करती हूँ ये देखो दोस्तों इसका सिटू फिर दे दिया मेरे को ठीक कर ये लीजिए तो ये हो गए हमारे सिड्डू विद घी एंड चटनी तैयार मजा आ रहा है ये दोनों अभी हमें देख रहे हैं इनकी प्लेट अभी पहुंचनी है तक तो बस अब नहीं मैं रुक रही अब मैं खा रही हूँ दोस्तों दिखा दिया मैंने आपको तो मैं खा रही हूँ दोस्तों हम लोगों का सिड्डू खा के पेट पूजा हो गई है कम्प्लीट और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट हमें खाने क्या लाफिंग खाएंगे क्योंकि हम लोग एक दिन चंडीगढ़ में भटके थे कितना कल भी खिलाया था अरे वो देखो दोस्तों आप भी देखो मार्केट की तरफ डॉलर को ले जाएंगे अकीरा यही रहेगी और हम सब जा रहे हैं अब इनकी दोस्ती भी हो गई हो गया मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे तुम तो दोस्तों अभी हम लोगों ने डॉलर को छोड़ा घर में क्योंकि वो बहुत खींच रहा था हम लोगों को और हमसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था उसको कंट्रोल करते ही आसपास से आ रहे डॉग्स या फिर ये बारिश तो फिर हमने सोचा उसे घर छोड़ देते तो हम ऑटो में गए और उसे घर छोड़ के अब हम वापस मार्केट की तरफ जा रहे हैं मतलब इधर है किरण का घर तो वहाँ गए तो हम लोग उसको छोड़ने और अब हम मार्केट जा रहे हैं बारिश पड़ रही है हल्की हल्की हमने तो देखा नहीं ये किरण दोस्तों ये किरण और ये देखो प्यास लास्ट ईयर ये पूरा फुल थी नदी बहुत ज़्यादा पानी था इस ईयर इसमें इतना पानी नहीं है मतलब नॉर्मली है इतना ही रहता है इस नदी में पानी बारिश पड़ रही है भाई छोड़ दे तुम दोनों का वेट करते There's my home, there's my home. तो दोस्तों ये माल रोड का नजारा ऐसा है कुछ बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है खाली खाली सा है ऊपर कुछ लाइव म्यूजिक चल रहा है आज नहीं लेगी मैं कॉपीराइट पिछले व्लॉग मुझे कॉपीराइट है लोगों के वजह इसके वजह से आज नहीं लूंगी आगे इस बात करते थोड़ा आगे शॉपिंग कर रहे थे अभी निकल गया रुक जाओ गाइस मैं शॉपिंग करने आई थी यहाँ मम्मी ने कुछ सामान लेने भेजा था क्रीम व्रीम लेनी थी मैंने भी ले ली फिर मुझे यहाँ पे देखा बो और मैंने पिंटरेस्ट में देखा तो बहुत एस्थेटिक लगता है तो मैंने आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है छोटी सी नीबी बच्ची लग रही हूँ या फिर अच्छा लग रहा है ये बताओ मुझे और बस मुझे लेना था मुझे पता नहीं कैसा कैसे लग रहा है कैसे लग रहा है बता ना तू बहुत बड़ा है छोटी बच्ची लग थोड़ी छोटी ले लो ये देख लो आप डॉगी कितना प्यारा हाय 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 ये प्यारा डॉगी है ये तो इतना प्यारा था तुम्हें और ये बाबा जी का डॉगी है क्या खिलाते हो इसको बाबा चिकन खिलाते हो अरे रोजी चिकन खिलाते हो ए कितना पाला है ये किसे प्यार पास आके बैठ गया ना प्यार करो मुझे हाय बेबी बेबी शंट बुली बुली Bye. बहुत लंबा वाला यार इसका तो हाँ डबल It's the flower, my name is lost. हिमालयन लेके आया और ये हिमालयन बहुत बड़ी बाइक है ह्यूज बाइक मतलब मजा आता है इसको चलाने में हिमालयन अच्छी फील देती है एक्सपल्स मेरी प्यारी एक्सपल्स वो खड़ी रही वहाँ पे उसको हम ले नहीं गए थे हम पैदल गए थे और लकी थी हम लोगों को हिमालयन चलाने का मौका मिल गया तो ये हमारी ब्लैक वाली हिमालयन वो हमारी एक्सपल्स वो हमारी चिक्सर और वो मेरा बच्चा हो गया आजा बेबी हेलो
मैं फाइनली घर पहुंच गई हूँ और खाना तो मैंने शाम को ही खा लिया था, तो मेरे को बिल्कुल भूख नहीं है। बस यहाँ पे बिस्तर बिछाएंगे और सो जाएंगे। और ये इसके आती के कपड़े हैं, इसने गंदगी डाली हुई है रूम में, इसी के कपड़े, इसी का बैग, इसी का कचरा, सब कुछ इसका, मेरा कुछ नहीं है इस रूम में गंदगी, है ना आती? आज इसने कसम खाई है व्लॉग में कुछ नहीं बोलूंगी। अब इसको पता है कि व्लॉग में आते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा बेइज्जती वाला काम हो जाता है अपने को, तो आदत हो गई है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी करे कोई दिक्कत नहीं। देख लो यार दोस्त, अपने ये सब अपने ही आती बोल, सब लोग बात कर सकती है। तुम मौन व्रत धारण किया आज लड़की ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस। इसको देखते हुए बाय।